आज का जो क्लास है वो एम के बारे में है यानी जो रेशो है इम्पार्टेंट रेशो है ये इसके बारे में है तो देखें चार टोटल एसेट्स और 50,000 हमारे पास जो टोटल एसेट है 50,000 है एंड करंट एसेट्स और 40 परसेंट और करंट एसेट इसके यानी 40 परसेंट है करंट लाइबिलिटी और 60 परसेंट ऑफ करंट एसेट करंट लाइबिलिटी करंट एसेट के 60 परसेंट है दी अमाउंट ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल नेट वर्किंग कैपिटल का जो अमाउंट है वो कितना है तो ये क्वेश्चन हम करेंगे प्रैक्टिकली करेंगे देखें हमारे पास जो टोटल जो एसेट है वो पचास हज़ार है आप पचास हज़ार में यानी चालीस परसेंट किया है चालीस परसेंट इसका करंट एसेट है तो चार पाँच बीस हमारे पास जो टोटल जो करंट एसेट आते हैं टोटल करंट एसेट्स यानी ये ट्वेंटी थाउजेंड आ गए अब ट्वेंटी थाउजेंड में से यानी इसका जो जो करंट लाइबिलिटी है वो साठ परसेंट है करंट एसेट के तो अब करंट लाइबिलिटी टोल कितनी है छह दो बारह तो ये करंट लाइबिलिटीज आ गए करंट लाइबिलिटी यानी ये बारह हज़ार अब जो नेट वर्किंग कैपिटल ये जो फार्मूला है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज यानी बीस माइनस बीस माइनस बारह हज़ार इज इक्वल टू आठ हज़ार यानी फो एट के तो हमारे पास जो नेट वर्किंग कैपिटल का जो बैलेंस है वो आठ हज़ार है तो देखिए इसने किया दिया है आठ हज़ार दस हज़ार बारह हज़ार चौदह हज़ार तो ये जो आठ हज़ार है ये राइट यानी आंसर है ए आंसर चार सौ इकतीस इफ करंट रेशो इज टू टू वन और टू रेशो वन यानी अगर तो, करंट रेफो टू टू वन है या टू रेफो वन है दो नस्बत एक है इसका मतलब यह है कि अगर हम पे लाइबिलिटी एक रुपया है तो इसके लिए हमारे पास करंट एसेट दो है थ्री टू वन इसका मतलब यह है कि हम पर लाइबिलिटी एक है तो इसके लिए हमारे पास कारण एसेट तीन है फोर टू वन इसका मतलब यह है कि हम पर लाइबिलिटी एक रुपया है तो हमारे पास कारण एसेट चार है इसका यह मतलब है अच्छा अरे सो तो यह है एंड करंट एसेट्स और सेवनटी टू थाउजेंड और करंट एसेट सेवेंटी टू थाउजेंड है बहत्तर हज़ार ग्रास वर्किंग कैपिटल ये अमाउंट कितना होगा बहत्तर हजार एक लाख चौवालीस हजार एक लाख आठ हज़ार और छत्तीस हज़ार तो आप देखें यानी जो करंट रेशो है ये बराबर है करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटीज तो ये जो हमारे पास जो क्या है डेटा है करंट रेशो यानी टू है इज इक्वल टू करंट एसेट हमारे पास है बहत्तर हज़ार करंट लाइबिलिटी नहीं है तो ये क्रास मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हम एक लगाएंगे तो ये दो एक्स इज इक्वल टू बहत्तर हज़ार जरबे एक बहत्तर हज़ार तो डिवाइड बोथ दी साइड बाय टू तो एक्स इक्वल एक टू यानी चौंतीस हज़ार ये जो चौंतीस हज़ार है ये यानी करंट लाइबिलिटी हमने एक्स पर की है ये हमारे पास आ गई करंट लाइबिलिटीज अब जो ग्रास वर्किंग कैपिटल इसका जो फार्मूला है ग्रास वर्किंग कैपिटल जो फार्मूला है वो है करंट एसेट्स प्लस करंट लाइबिलिटीज तो हमारे पास करंट एसेट है बहत्तर हज़ार और जो करंट लाइबिलिटी है वो है छत्तीस हज़ार तो टोटल जो ग्रास वर्किंग कैपिटल यानी एक लाख आठ हज़ार यानी एक सौ आठ के एक लाख आठ हज़ार तो ये जो अमाउंट है बहत्तर हज़ार एक लाख चौवालीस हज़ार एक लाख आठ हज़ार तो जो सी ऑप्शन है ये राइट वन है पी कहता है इफ़ करंट रेशो इज थ्री टू वन अगर करंट रेशो थ्री टू वन है एंड करंट लाइबिलिटीज़ और ट्वेंटी थाउजेंड अमाउंट ऑफ करंट एसेट ये भी आसान है ये जो फार्मूला है हम इस फार्मूले में यानी ये पुट करेंगे करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज तो ये थ्री टू वन है यानी तीन है और हमारे पास करंट एसेट नहीं है वो एक्स है और जो हमारे पास जो करंट लाइबिलिटी है वो बीस हज़ार है बीस हजार है तो इसको क्राफ्ट मल्टीप्लीकेशन कहते हैं यहाँ पर एक लिखते हैं बीस हज़ार रे तीन और एक्स तो एक्स इक्वल टू बीस हज़ार तीन बीस तीन साठ तो एक्स इज इक्वल टू साठ करंट एसेट्स हमारे पास कितने आ गए साठ हज़ार इस फार्मूला के मुताबिक जो भी फिगर मिसिंग हो वो हम मालूम कर सकते हैं तो करंट एसेट विल बी सिक्सटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड यानी सिक्सटी थाउजेंड या एटी थाउजेंड तो ये सिक्सटी थाउजेंड टोटल करंट एसेट्स आ गए इसके बाद है चार करंट एसेट्स और 60,000 करंट एसेट्स साठ हज़ार है एंड क्विक रेशो इज 2 टू 1 और क्विक रेशो है वो 2 टू ओ है यानी क्विक रेशो में प्रीपेड और इन्वेंट्री शामिल नहीं होते एंड करंट लाइबिलिटीज रुपीज ट्वेंटी फाइव और करंट लाइबिलिटी पच्चीस है अमाउंट ऑफ प्रीपेड एंड इन्वेंट्री आठ हज़ार दस हज़ार बारह हज़ार या चौदह हज़ार तो ये देखें ये भी यानी ये आसान है जो यानी क्विक एसेट है जो क्विक रेफो है क्विक रेफो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज तो क्विक रेफो ये टू टू वन है दो मुसाबी है ये टू इज इक्वल टू क्विक जो एसेट है हमारे पास वो नहीं है वो नहीं है और जो करंट लाइबिलिटी है वो हमारे पास है पच्चीस हज़ार कितने हैं पच्चीस हज़ार अब इसको क्रास मल्टीप्ली यहाँ पर एक लेते हैं क्रास मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू पच्चीस हज़ार दो पच्चीस दो पचास हज़ार हमारे पास जो क्विक एसेट आ गए क्विक एसेट आ गए कितने आ गए ये पचास हज़ार आ गए पचास हज़ार और यहाँ पर जो यानी करंट एसेट है करंट एसेट्स टोटल कितने हैं साठ हज़ार है करंट एसेट टोटल साठ हज़ार है और हमारे पास जो क्विक एसेट है वो पचास हज़ार है तो मतलब यह है कि जो करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स इसके दरमियान जो डिफरेंस है यानी साठ हज़ार माइनस पचास हज़ार जो डिफरेंस है दस हज़ार ये किया है ये अमाउंट ऑफ प्रीपेड एंड इन्वेंट्री तो आठ हजार दस हज़ार बारह हजार चौदह तो ये जो बी ऑप्शन है ये राइट right वन है इसके बाद कहता है इफ इन्वेंट्री एंड प्रीपेड और एट थाउजेंड एंड सेवन थाउजेंड अगर इन्वेंट्री और प्रीपेड आठ हजार और सात हज़ार है रिस्पेक्टिवली एंड करंट लाइबिलिटीज और थर्टी थाउजेंड और करंट लाइबिलिटी थर्टी थाउजेंड है एंड क्विक रेशो इज टू टू वन और क्विक रेशो टू टू वन है कितने तो होंगे तो ये भी आसान है ये आसान है यानी पहले हम जो क्विक रेशो है क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी तो ये जो क्विक रेशो है ये है टू टू वन है दो इज इक्वल टू क्विक एसेट हमारे पास नहीं है ये एक्स है और करंट लाइबिलिटीज हमारे पास है करंट लाइबिलिटीज थर्टी थाउजेंड ये तीस हजार है तो ये क्रास मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यानी एक्स इज इक्वल टू तीस हजार दो साठ uh, हज़ार हमारे पास जो क्विक एसेट आ गए क्विक एसेट साठ हज़ार अब यानी करंट एसेट बराबर है करंट एसेट बराबर है क्विक एसेट प्लस प्रीपेड प्लस इन्वेंट्री इसके साथ जब हम ये जमा करते हैं तो करंट एसेट हमारे पास नहीं है क्योंकि एसेट हमारे पास आ गए साठ हज़ार प्लस यानी सात हज़ार इन्वेंट्री है आठ हज़ार प्रीपेड है और सात हज़ार की है ये इन्वेंट्री है तो ये पंद्रह हज़ार और साठ हज़ार टोटल जो करंट एसेट आते हैं पचहत्तर हज़ार तो हमारे पास जो टोटल करंट एसेट आता है पचहत्तर हज़ार तो देखें साठ हज़ार पैंसठ सत्तर पचहत्तर तो ये जो डी ऑप्शन है ये राइट वन है फिर कहता है चार सौ पैंतीस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रुपीज़ ट्वेंटी थाउजेंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री सेवन थाउजेंड एंड वन थाउजेंड इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो यानी फाइंड आउट इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो दी डेटा आर अवेलेबल तो आप देखें यानी जो इन्वेंटरी टर्न ओवर रेफो है इन्वेंटरी टर्न ओवर रेफो इन्वेंट्री टर्न ओवर ये बराबर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी तो जब हम एवरेज इन्वेंटरी मालूम करते हैं एवरेज इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री इसके लिए जो फार्मूला है ये फार्मूला है कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई टू तो ओपनिंग हमारे पास है आप देखें क्या कितना है सात हज़ार और एक हज़ार सात हज़ार और एक हज़ार यानी टोटल सात हज़ार और एक हज़ार डिवाइडेड बाई तो सात हज़ार और एक हज़ार आठ हज़ार आठ हज़ार जब हम दो पर तकसीम करते हैं तो कितना आता है यानी ये चार हज़ार चार हज़ार अब कॉस्ट ऑफ सोल्ड हमारे पास है जो बैलेंस है कितना है बीस हजार है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो बैलेंस है वो बीस हजार है और एवरेज इन्वेट्री हमारे पास है चार हजार तो इसको जब हम तकसीम करते हैं तो ये आता है फाइव टाइम्स फाइव टाइम्स फाइव टाइम्स इसका जो आंसर है तो देखे फोर टाइम्स चतीस तो ये ये जो five time है है यानी right इसके बाद है, uh, चार्थीस. तो चतीस कहता है कि फ्रॉम क्वेश्चन नंबर यानी चार सौ पैंतीस जो uh, अभी हमने पढ़ा एवरेज डेज टू सेल इन्वेंट्री Uh, यानी एवरेज डेज मालूम कर ले आप फाइंड आउट एवरेज डेज आप मालूम कर ले इफ़ देर आर यानी ट्वेंटी टू फिफ्टी वर्किंग डेज इन वन ईयर अगर एक साल में दो सौ पचास वर्किंग डेज है तो एवरेज डेज टू सेल इन्वेंट्री ये आप मालूम कर ले तो जो फार्मूला है एवरेज डेज़ मालूम करने का एवरेज डेज ये फार्मूला है कि डेज़ इन वन ईयर डेज इन वन ईयर एक साल में जितने डेथ है डिवाइडेड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर ओवर रेफो इन्वेंट्री टर्न रेफो तो हमारे पास जो डेथ है वो टू फिफ्टी डेथ है और हम हमने जो मालूम कर लिया इन्वेंट्री टर्नओवर ये पाँच है तो पाँच को जब हम तकसीम करते हैं दो सौ पचास तकसीम करते हैं पाँच पे तो फिफ्टी तो हमारे पास जो एवरेज जो डेज आते हैं ये फिफ्टी डेज आते हैं पचास तो देखें चालीस पचास साठ सत्तर तो ये यानी फिफ्टी किया है ये एवरेज डेज टू सेल इन्वेंट्री ये है फिर कहता है क्रेडिट सेल्स रुपीज फिफ्टी सिक्स थाउजेंड छप्पन हजार एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्वेल्व थाउजेंड एंड टू थाउजेंड ये है रिस्पेक्टिवलीकाउंट रेसिबल टर्न ओवर रेसो तो अकाउंट रिसीवेबल रिस रेसो ये भी इन्वेंट्री टर्न ओवर रेसो की तरह है आप देखें कि अकाउंट रेसिबल टर्न ओवर रेफो ये बराबर है कि क्रेडिट सेल्स क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाई अकाउंट एवरेज एवरेज अकाउंट रेसिबल एवरेज अकाउंट रेसिबल तो अब क्रेडिट सेल हमारे पास कितना है यानी क्रेडिट सेल है छप्पन हजार क्रेडिट सेल छपन हजार एवरेज अकाउंट रेसिबल हम मालूम करते हैं जो एवरेज अकाउंट रिसेबल ये जो फार्मूला है ये हम किस तरह मालूम करेंगे तो एवरेज अकाउंट रिसबल इज इक्वल टू ओपनिंग अकाउंट रिसबल प्लस क्लोजिंग एंड अकाउंट रिसबल डिवाइडेड बाय टू तो ओपनिंग अकाउंट रेसिबल हमारे पास कितने हैं बारह हज़ार और दो हज़ार टोटल चौदह हज़ार बनता है बारह हज़ार और दो हज़ार टोटल कितना बनता है चौदह हज़ार चौदह हज़ार दो पता तकसीम करते हैं तो कितना आता है दो सौ चौदह यानी सात हज़ार सात अब यहाँ यानी यह यानी यह यह एवरेज अकाउंट रेसिवल सात हज़ार आ गए यहाँ पर हम तकसीम करते हैं सात हज़ार पर तो ये सात तीन जीरो तीन सात सात आठ चापन तो ये जो अकाउंट रिसिवेबल टर्न ओवर रेशो है सात आठ चापन ये एट टाइम्स एट टाइम्स चापन हज़ार को जब हम सात हज़ार पर तकसीम करते हैं तो ये एट टाइम्स आता है तो अब देखिए इसने किया दिया है थ्री टाइम्स फोर टाइम्स फाइव टाइम्स सिक्स टाइम्स ये सारे क्या है ये इसमें नहीं है ये एट टाइम्स एट टाइम्स इसका ये मतलब है अच्छा पीर कहता है चार सौ अट्ठातीस एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर चार सौ सैंतीस यानी इससे एवरेज कलेक्शन पीरियड आप मालूम करें ये जो क्वेश्चन नंबर चार सौ सैंतीस है इससे एवरेज कलेक्शन पीरियड मालूम कर ले इफ़ देयर आर थ्री हंड्रेड डेज़ इन वन ईयर अगर एक साल में यानी तीन सौ डेज है तो आप यानी एवरेज कलेक्शन पीरियड आप मालूम कर ले तो देखें एवरेज जो कलेक्शन पीरियड है एवरेज कलेक्शन पीरियड ये बराबर है डेज इन वन ईयर डेज इन वन ईयर डिवाइडेड बाई अकाउंट रिसीवेबल टर्न ओवर रहेसीबल टर्न ओवर रेफो तो यहाँ पर जो डेज है वो कितने हैं तीन सौ है और अकाउंट रिसीवेबल टर्न ओवर कितना है यानी ये आठ है अकाउंट रिसीवेबल टर्न ओवर ये आठ है तो अब हम इसको करते हैं ये आता है यानी सैतीस एफ पाँच इसको यानी राउंड ऑफ करते हैं यानी अठातीस डेज एवरेज जो कलेक्शन पीरियड है वो अट्ठातीस डेज है तो आप देखें पचास पचहत्तर सौ एक सौ पच्चीस तो इसमें से एक भी नहीं है ये क्या है ये अट्ठातीस डेज है अच्छा ये राइट ऑप्शन है फिर कहता है देखें इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो इज सेवन टाइम्स जो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो है अब इसने क्वेश्चन को यानी उलट कर दिया है કે વો 7 ટાઈમ હે એન્ડ એવરેજ ઇન્વેન્ટરી ઇઝ 1000 ઓર જો એવરેજ ઇન્વેન્ટરી હે વો 1000 હે કોસ્ટ ઓફ ગુડ્સ સોલ્ડ આપ કોસ્ટ ઓફ ગુડ્સ સોલ્ડ मालूम कर ले તો યે મતલબ ક્વેશ્ચન જો ફોર્મ્યુલા હે હમ ઓપોઝિટ ફોર્મ્યુલા યહની استعمال કરેંગે ઇન્વેન્ટરી જો ઇન્વેન્ટરી ટર્નઓવર રેફ ઇન્વેન્ટરી ટર્નઓવર યહ પર આવેલ હે કોસ્ટ ઓફ ગુડ્સ સોલ્ડ ડિવિડિડ બાય એવરેજ ઇન્વેન્ટરી યે બરાબર હે अब ये कहता है कि जो एवरेज इन्वेंट्री टर्न है ये सेवन टाइम है सेवन टाइम है सेवन टाइम है. है और जो एवरेज इन्वेंट्री है वो वन थाउजेंड है यहाँ पर हमारे पास जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये अनोन है ये एक्स है और जो एवरेज इन्वेंट्री है ये वन थाउजेंड है तो क्रास मल्टीप्लीकेशन करता है यहाँ पर एक लगाते हैं एक्स इजिकल टू सात हज़ार वे सात हज़ार वे एक हज़ार तो सेवन थाउजेंड तो जो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड का बैलेंस आता है वो सेवन थाउजेंड आता है देखे इसने किया दिया है फाइव थाउजेंड सेवन थाउजें थाउजेंड और नाइन थाउजेंड तो ये जो सात हजार है ये राइट ऑप्शन है इसके बाद है चार सौ चालीस कहता है रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इज एट टाइम्स एंड एवरेज अकाउंट फाइव थाउजेंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स ये भी आसान है बिल्कुल इस तरह है जो अकाउंट रिसीवेबल ओवर रेशो है अकाउंट रिसीवेबल टर्न ओवर ये बराबर है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाई एवरेज अकाउंट रिसीवेबल एवरेज अकाउंट रिसीवेबल अब जो अकाउंट टर्नओवर रेशो है ये एट है और जो क्रेडिट सेल है ये एक्स है आन नॉन है और एवरेज अकाउंट रिथ्यूबल कितने हैं ये पाँच हज़ार है अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू पाँच आठ चालीस चार हजार चालीस हज़ार जो क्रेडिट सेल है चालीस हज़ार तीस हज़ार चालीस हज़ार साठ हज़ार अस्सी हज़ार तो ये आता है यानी ये चालीस हज़ार आता है ये कहता है चार सौ इकतालीस इफ़ एवरेज डेज टू सेल इन्वेंट्री और थर्टी डे अगर एवरेज डेज है हम इन्वेंट्री सेल करते हैं वो तीस दिन के बाद सेल करते हैं एंड देर आर थर्टी वर्किंग डेज और थर्टी वर्किंग डेज है इन वन ईयर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ट इज रुपीज सिक्सटी थाउजेंड है एवरेज इन्वेंट्री विल भी एवरेज इन्वेंट्री आप कैलकुलेट कर ले तो अब हम एवरेज इन्वेंट्री किस तरह कैलकुलेट करेंगे पहले हम इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो कैलकुलेट करेंगे पहले हम इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो कैलकुलेट करेंगे इसके बाद एवरेज इन्वेंट्री हम कैलकुलेट करेंगे तो देखें पहले हम यानी जो एवरेज uh, डेज है एवरेज डेज टू सेल इन्वेंट्री वो यानी बराबर है कि यानी डेज इन वन ईयर डेज इन वन ईयर डिवाइडेड बाई ये है कि इन्वेंट्री टर्न ओवर रेफो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेफो तो ये एवरेज जो डेज इसने दिए है थार्टी डेज है थार्टी डेज तो देखे इज इक्वल टू डेज इन वन ईयर एक साल में कितने डेज है ये तीन सौ है तो तीन सौ डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री टर्न ओवर रेफो ये नहीं है तो ये एक्स इक्वल टू इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये तीस एक्स एविक्वल टू तीन सो इस अब, दोनों को 30 पर तकसीम करते हैं तो एक्स एविक्वल टू यानी टू इनवेंट्री टर्न ओवर रेसो हमारे पास आ गई टेन टाइम्स टेन टाइम्स अब आसान हो गया अब हमारे पास जो यानी कि इन्वेंट्री टर्न ओवर रेसो इनवेंट्री कारण ओवर रेफो इज इक्वल टू क्रेडिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंटरी एवरेज इन्वेंटरी अब इन्वेंटरी टर्न ओवर रेशो वो टेन आ गया और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब देखिए इसने किया दिया है साठ हजार ये साठ हजार है और जो एवरेज इन्वेंटरी है ये एक्स है ये अननोन है अब फिर हम इसको क्रास मल्टीप्लीप्लिकेशन करते हैं तो ये दस एक्स इस तरह दस एक्स इज एकवल टू यानी ये साठ हज़ार अब दोनों को दोनों साइड को दस पर तकसीम करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू कितना है साठ को दस पर तकसीम करते हैं छः हज़ार छ हज़ार तो हमारे पास जो एवरेज इन्वेंट्री आ गई वो छः हज़ार आ गई तो देखिए छः हज़ार सात हज़ार आठ हज़ार दस हज़ार तो ये जो छ हज़ार है ये राइट ऑप्शन है